आखिर दुर्योधन और उसके सभी 99 भाई किस राक्षस अवतार या अंश थे और वो सभी कितने शक्तिशाली थे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं ज्ञान की बात। हम सब जानते हैं कि महाभारत में हर एक किरदार, हर एक चरित्र किसी देवता, किसी ऋषि या किसी राक्षस का अंश था। महाबली बलराम जी शेषनाग के अंश थे। वहीं 8 वसु में से एक दयो नाम के वसु बचे थे जो कि भीष्म के रूप में जन्म ले चुके थे। वहीं देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। वहीं अश्वत्थामा को महादेव का अवतार कहा जाता है। सूर्य देव के पुत्र थे दानवीर करण। और बाकी सभी पांडवों के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन और उसके 99 भाई आखिर किस राक्षस या किस दानव का अंश थे या अवतार थे। दरअसल दोस्तों कहा जाता है कि दुर्योधन का पहला नाम सूर्योधन था, बाद में उनका नाम दुर्योधन पड़ा। कहा जाता है कि वो कलयुग का एक अंश थे और उनके 99 भाई पुरुषोत्तम वंश के राक्षसों के अंश थे। वायु पुराण के 70.51.65 के खंड में राक्षसों को पुला पुरुषोत्तम कश्यप और अगस्त्य ऋषि की संतान माना गया है। कहा जाता है कि वो सभी पुरुषोत्तम वंश के राक्षस के अंश और अवतार थे। साथ ही दुर्योधन को कलयुग का अंश कहा गया है क्योंकि इन सब के पीछे वही चक्र घूम रहा था जो चक्र रावण और साथ ही उनके भाई कुंभकर्ण पर घूम रहा था। जय विजय की कहानी तो आप सभी ने सुनी ही होगी। वही अब ये भी जान लेते हैं कि महाभारत का कौन कौन सा किरदार किस किस का अंश या रुद्र के एक अंश ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया था। वही द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था। अरिष्ठा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र बने थे तथा उनका छोटा भाई पांडु उसी रूप में जन्मे थे। सूर्य के अंश यानी कि धर्मराज यानी कि स्वयं यमराज के अंश थे युधिष्ठिर और साथ ही विदुर वही कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृति का जन्म हुआ था। वही मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गंधारी के रूप में हुआ था। दानव राज विपरीक्षित जरासंध और हिरण्यकश्यप शिशुपाल का अंश थे। काल ने मिदैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था और इंद्र के आज्ञा के अनुसार ही कई सारी अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी जो महाभारत में एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रही थी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये जानकारी अवश्य हो गई होगी कि आखिर महाभारत जैसे विनाशक युद्ध में कौन किसका किरदार था और उन्होंने किस किस तरह से महाभारत में एक सटीक किरदार निभाया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको ऐसा वीडियो मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।